स्मोकिंग स्ट्रीट मैन सिगरेट मैन का शो। इस समय हम यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट पर हैं। शाम के समय काफ़ी भीड़ होती है लोगों की, यहाँ बार्स हैं, ओपन बार्स और डांस के लिए हैं और कई तरह के शोज़ यहाँ पे चलते हैं। लोग काफ़ी शोज़ को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और पूरे दुनिया भर का टूरिस्ट यहाँ पे होता है इस टाइम। यह है लोगों का खाना। यहाँ के लोग ऐसे ही ज़्यादातर खाने खाते हैं। केकड़े भी हैं, और इस तरह से लाइव फिश भी है। यह है यहाँ की मशहूर वॉकिंग स्ट्रीट, जहाँ अभी रात 8 बजे के बाद म्यूज़िक, डांस, बार्स शुरू होती हैं। ये आइसक्रीम का एक जादू शो है, बड़े एक जादुई तरीके से आइसक्रीम पकड़ाते हैं और उसके कोन्स बना के देते हैं। आइसक्रीम के शौकीनों के लिए पताया मैं वॉकिंग स्ट्रीट में आने का ये अनोखा नज़ारा हो सकता है। ये देखिए, आइसक्रीम को उल्टा भी करते हैं तो गिरती नहीं। वॉकिंग स्ट्रीट का ये एक बहुत ही उम्दा कलाकार माना जाता है और बहुत लोग इसके शोज को देखते हैं, तो ये एक खास शो दिखाने जा रहा है। ध्यान रखिए, यहाँ वॉकिंग स्ट्रीट में कुछ ऐसी भी हसीनाएं हैं जो आपको बहलाकर, फुसलाकर लूट भी सकती हैं, आपके साथ कोई बड़ा क्राइम भी कर सकती हैं और बड़ा हादसे के शिकार भी आप हो सकते हैं। हमारी खोज की टीम के बाद हमने वहां पर ऐसी ही दो हसीनाओं की आईडीज प्राप्त की है। एक का नाम है रेचैनी फुट हासन
जिसके कार्ड के ऊपर उसका डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1975। ये एक लंबे कद की महिला है जो शो करती है कि उसको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती, और उसके साथ एक छोटे कद की और महिला है जिसका नाम है अनोंग फैट साउथी साओ वापहाक। इसके कार्ड के ऊपर इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर 1973। ये अपना नाम बताती है सोफिया, और इन दोनों को टोनी बार से पहले वॉकिंग स्ट्रीट में जाते हुए बाईं तरफ खड़े हुए देखा जा सकता है। हमें एक पंजाबी ने वहां बताया कि उसकी मुलाकात अनोंग फैट के साथ हुई, और वो उसको हायर करके जब ले जाने लगा तो अनोंग फैट ने कहा कि वो बिना किसी दाम के रैचैनी को भी साथ में ले जा सकता है। वो दोनों को लेकर जब जाने लगा तो रास्ते में दोनों ने बियर की मांग की, तो उसने वहां से उनके लिए बियर की बॉटल्स ली। दोनों ने जैसे ही उसके कमरे में पहुंची तो उन्होंने पूरी बियर पी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहां उसको धमकाना शुरू कर दिया, पैसे मांगने शुरू कर दिए, और आखिर वो 4,000 baht जितनी भी उसके पास इंडियन करेंसी थी और थाई करेंसी थी वो देने के बाद ही उससे पीछा छुड़ा सका, क्योंकि जो रैचैनी फुट हासन थी उसने एक बियर की बोतल पकड़कर दरवाजे के पास खड़ी हो गई, ना तो उस शख्स को बाहर जाने दिया और साथ ही उसको कहा कि यदि वह पैसे नहीं निकालेगा तो वह उस बोतल से उसके ऊपर वार करेगी। और एक विदेशी पर्यटक होने के नाते वो इंसान इनसे उलझने की बजाय पैसे देने में ही अपनी गनीमत समझने लगा। तो इन आईडीज को आप गौर से देखिए, रैचैनी फुट हासन और अनोंग फैट साउथी साओ बाप हाक। तो अगर ये कहीं आपको मिल जाती हैं तो इनसे आप दूरी बनाएं, ताकि इस किस्म के किसी भी आप जंजाल में ना फंस सकें। वॉकिंग स्ट्रीट को आप घूमिए, इंजॉय कीजिए, डांसेस देखिए, लेकिन किसी भी किस्म की बला को आप अपने साथ अपने होटल में लेकर ना जाएं, क्योंकि ऐसे में आप लुट सकते हैं। और थाई का जो कानून है, हमें पता लगा कि उसके मुताबिक यदि आप किसी थाई को पीट देते हो तो आपको 50,000 baht यानी कि 1,00,000 रुपया जुर्माना है, और यदि कोई थाई आपको पीट देता है तो उसको सिर्फ 500 बाट यानी 1,000 रुपया ही जुर्माना है। इसलिए सावधान रहिए, सिर्फ घूमिए, यहाँ की सुंदरता को देखिए और मन के विकारों को दबाकर रखिए, ताकि आप किसी भी बड़े हादसे से बच सकें।
वॉइस ऑफ एशियंस के हमारे दर्शकों के साथ है अमरदीप सिंह रंधावा जी, जो बहुत सालों से पताया में रह रहे हैं, यहाँ पर पुलिस में भी हैं और उनके अपने होटल्स भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनको पंजाबियों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि किसी भी पंजाबी की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा अमरदीप सिंह रंधावा जी उनके काम आते हैं। रंधावा जी, वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों के सामने आपका स्वागत है। तो आप बताइए कि क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम्स आती है पंजाबियों को जब आते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप पंजाब में कहाँ से और कितने सालों से यहाँ और किस नाम से आप अपने बिजनेस को यहाँ पे चला रहे हैं। मैं पंजाब से चंडीगढ़ से हूँ जी, और 7 ईयर्स से मैं पताया में हूँ। अब मेरे रेस्टोरेंट्स हैं, और यहाँ पे जो रही बात पंजाबियों की प्रॉब्लम की, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी आते हैं घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरारती अंसर होते हैं, वो इधर आकर कोई ऐसी कोई गलत बात करते हैं तब उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अदरवाइज़ ये सिटी पताया सिटी या थाईलैंड के बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और देखने वाले हैं। रंधावा जी, यहाँ आपके बिजनेस किस नाम से हैं? मेरे एक वॉकिंग स्ट्रीट में रेस्टोरेंट है जी, हैप्पी सिंह के नाम से। दूसरे रेस्टोरेंट सेंटर फेस्टिवल के पास है। सभी इंडियन खाना है, हमारे परमानेंट गेस्ट हैं। जो एक दफ़ा हमारे रेस्टोरेंट पे खाना खाता है तो हमारा ही कस्टमर है। बिल्कुल सही है आपने जैसे बताया रंधावा साहब, क्योंकि आपकी इंडिया में मुझे बहुत तारीफ सुनने को मिली, यहाँ मेरे बहुत से दोस्तों ने बताया, तो मैं ढूंढता ढूंढता फिर आपके पास किसी तरह से पहुँच ही गया। क्योंकि हमारे जो पंजाबियों के दिलों जान की धड़कन है यहाँ पताया में, तो वो आपको माना जाता है। तो यही एक कारण है कि मैं अपने दर्शकों को आपको दिखाने की ज़रूर सोच रहा था। तो एक चीज़ और बताइए कि यहाँ बहुत बार ऐसा हो जाता है कि जैसे वॉकिंग स्ट्रीट में या किसी भी जगह रात के समय किसी पंजाबी भाई के साथ कोई कई बार इंसिडेंट भी हो जाती है। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी ऐसी मानी जाती हैं स्ट्रीट्स में, जो पहले उनके साथ जाती हैं और बाद में उनको लूटने का प्रयास करती हैं। तो अगर ऐसी इंसिडेंट किसी पंजाबी के साथ हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? मैं मेरे पंजाबी भाइयों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि भैया, अच्छी जगह अच्छे क्लबों में जाओ, आपके साथ कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा। चलते फिरते स्ट्रीट से किसी के साथ कोई चीज़ ऐसी लड़की से कोई बातचीत ना करो। अदरवाइज़ अगर अच्छे क्लबों में जाओगे तो मेरा ख्याल कभी किसी का कोई इंसिडेंट मैंने अपनी नहीं देखा, ना मेरे डिपार्टमेंट में देखा है। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी पंजाबी भाई या हिंदुस्तानी किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो 24 आवर मेरे को जब मर्जी कॉल कर लेना। हर एक बंदे को मेरे आप पताया में आने के लिए मोस्ट वेलकम है। जब मर्जी किसी टाइप की हेल्प हो 24 घंटे में रेडी हूँ अपने पंजाबियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी, वॉइस ऑफ एशियंस के दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए धन्यवाद सर।